प्रोडक्ट कंप्लीट होने पर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प के साथ वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, किए जाते हैं इस मशीन के द्वारा। जैसे लॉक्स कंप्लीट होते हैं आगे इंडक्शन की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्रोडक्ट इसके थ्रू हम ऊपर भेजते हैं और जैसे प्रोडक्ट ऊपर पहुंच जाता है दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का VFC, मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, आज बहुत ही अच्छी और बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ जी आपको, कहाँ से सस्ता और सबसे अच्छा बेहतरीन ऑयल, मोबिल ऑयल और उसके हाइड्रोलिक ऑयल जो भी है उसके बारे में बेहतरीन एकदम डिटेल में जानकारी दूंगा। ये सनप्रीत वालिया जी हैं, मेरे बहुत ही खास मित्र है ये, और इनका ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग का 40 साल पुराना बहुत ही बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। ये देख पा रहे होंगे शार्प इंटरनेशनल और इम्प्रोविंग CNC, इसके बारे पूरे डिटेल में देंगे कि क्या क्या होता है और मैं कंपनी में दिखा देता हूँ। एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आज की वीडियो एकदम मिस मत करना। आपके बिजनेस से लेके और आपके काम से लेके अगर आपके पास मशीनें हैं तो किस तरह का ऑयल और ग्रीस लगाना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी आती है, उसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी देंगे। देख पा रहे होंगे कितने बड़े लेवल पे काम है और एक एक चीज़ पे सर पूरी डिटेल से बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही डिटेल में जानकारी देंगे। और इसकी पूरी जानकारी ये मेरे मित्र देंगे आपको क्योंकि इनकी कंपनी है और इन्होंने जो ये पूरा सेटअप बनाया है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देंगे कि ये ऑयल किस तरह से बनता है, ग्रीस किस तरह से बनती है, हाइड्रोलिक ऑयल किस तरह से बनता है और इन्होंने अपने कंपनी को किस तरह से ऑटोमेटिक कर रखा है एकदम। ये कहीं भी रहते हैं इनका काम चलता रहता है, टेंशन फ्री है एकदम, और ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। तो इनसे मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ, तो आप हमारे दर्शकों को बोलिए हेलो और बताइए सारी डिटेलें। जी सर नमस्कार, पहले तो मैं संजीव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उन्होंने समय निकाला हमारे पास आकर वीडियो शूट करने का, बहुत व्यस्त रहते हैं अपने भी काम में और हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। तो जैसे संजीव जी बता रहे थे कि हम ऑयल एंड ग्रीसेस मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें ऑटोमोटिव ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल और ग्रीसेस रहती हैं जिसमें लगभग 100+ प्रोडक्ट्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अलग अलग पैक साइजेस में। तो जैसे कि आप देखेंगे जी, ये हमारे स्टोरेज टैंक्स हैं, इसमें जो भी बेस ऑयल्स वगैरह रहते हैं इनमें स्टोर किए जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोडक्ट मिलता है इसमें स्टोर किया जाता है और पूरे प्लांट में यहाँ पर जो भी पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो थ्रू पाइपलाइन होता है, विच मीन्स ये सब कुछ ऑटोमेटेड है और कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए हमें कहीं पर भी काम करने के लिए। तो जैसे हम देख रहे हैं हम प्लांट अंदर एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है हमारा पैकिंग यूनिट स्टार्ट हो जाता है। तो ऑन माय लेफ्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट की फिलिंग की जाती है, प्रोडक्ट फिलिंग में क्या रहता है कि बॉटल्स रखी जाती हैं और ऑटोमेटिकली उसको फिल किया जाता है और ये 00 प्रिसीजन रहता है इसमें, यानी कि अगर 1 लीटर का बॉटल है तो उसमें पूरा 1 लीटर ही आएगा, 10 ml ना ज़्यादा ना 10 ml कम। तो ये हमें प्रिसीजन करने में हेल्प करती है मशीनरी, जैसे कि आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड ओवर हेयर। तो यहाँ से हम निकल कर जाते हैं जहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ पर बॉटल्स रखी जाती हैं, आप देख रहे हैं मैनुअली हम बॉटल्स यहाँ पर रख रहे हैं और फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है आगे यहाँ पर फिलिंग के लिए आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर फिलिंग होनी स्टार्ट होती है प्रोडक्ट कंप्लीट होने पर कन्वेयर बेल्ट की हेल्प के साथ वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है।
बाद ये हमारा कैपिंग यूनिट यहाँ पर आ जाता है। जो कैप्स भी हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक किए जाते हैं इस मशीन के द्वारा। जैसे लॉक्स कंप्लीट होते हैं, आगे इंडक्शन की तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इंडक्शन से क्या है कि मटेरियल रास्ते में कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन करते हुए कहीं पर भी लीकेज ना आए। तो यहाँ पर फाइनल प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं हर बॉटल को। यहाँ पर क्लीन किया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि बॉटलिंग वगैरह ठीक है, कहीं पर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। जब प्रोडक्ट यहाँ पर उसको, और ये 100% ऑटोमेटेड मशीन है, ये हमने स्पेशली इम्पोर्ट की है। इसमें कोई भी व्यक्ति को अपने हाथ से काम करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड इन दिस मशीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सभी प्रोसेसेस जो हैं स्टेप बाय स्टेप ये मशीन के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो उसकी सुपरविजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने अपने सुपरवाइजर्स को खड़ा किया हुआ है, ताकि डबल ट्रिपल चेकिंग हो पाए और फाइनली जो शार्प का प्रोडक्ट है हमारे कस्टमर तक एक अच्छी क्वालिटी में पहुँच पाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्लेंडिंग कैटल रहती है, इसमें सभी रॉ मटेरियल्स डाले जाते हैं ऊपर से और इसको हीट किया जाता है। गर्म करने करते करते इसमें हम अपना प्रोडक्ट रेडी करते हैं। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो इसको हम अपनी लैब में टेस्ट करते हैं, जो कि इन हाउस हमारे पास लैब। प्रोडक्ट जब हमारा रेडी हो जाता है उसको हम लैब में टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में जब वो सारे पैरामीटर्स पास कर जाता है तब हम उसको फिर पैकिंग के लिए ले आते हैं। तो जैसे कि ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड ये जो मशीनरी है, ये ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग के काम आती है। इसके साथ हम प्रोडक्ट ऊपर की तरफ भेजते हैं और सारा मटेरियल ऊपर से डाला जाता है। तो प्रोडक्ट इसके थ्रू हम ऊपर भेजते हैं और जैसे प्रोडक्ट ऊपर पहुंच जाता है, हमारा ऊपर जो कॉलीग रहता है वो मटेरियल को कैटल में डिपॉजिट कर देता है। मटेरियल जब सारा बीच में इकट्ठा हो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, और उसको कुछ देर फिर गर्म किया जाता है ताकि हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप उस पर कर पाएं। और जैसे ही प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाता है, उसकी टेस्टिंग के बाद लैब में हम प्रोडक्ट को यहाँ पर निकालना शुरू कर देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो सबसे पहले ड्रम में जाते हैं, उसके बाद फिर हम बकेट्स में या स्मॉल पैक्स में उसको पैक कर देते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे समझा कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट की पैकिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर ये हमारी स्पेशल बीस रहती है, ऑल पर्पज बीस, जिसे हम AP3 बीस भी बोलते हैं। उसको हम यहाँ पर डालते हैं कैटल में, इसको मिनी कैटल बोलते हैं। और इसका वेट चेक किया जाता है, प्रोडक्ट नीचे से आता है और हर कैन का हम यहाँ पर वेट चेक करते हैं। जैसे वेट चेक होता है इसकी पैकिंग की जाती है और वो फर्दर फिर कार्टन में डाला जाता है। इसके आगे अगर आप देखेंगे, हमारे पास रेड जेल ग्रीस है, जो कि हमारा बहुत ही स्पेशल ग्रेड माना जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड ये फेमस ब्रांड है हमारा ये वाला। इसकी क्वालिटी इतनी अल्टीमेट है कि हर जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रोडक्ट नीचे आया और ये डिब्बा यहाँ पर बंद हो जाएगा, इसका वेट होगा और इसको हम साथ के साथ कार्टन में डाल देंगे। Okay.
जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रैनुल्स रहते हैं जिसको हम एचडी का दाना भी बोलते हैं, इसको हम हॉपर में डालते हैं ऐसे और कम्प्लीटली प्रोडक्ट के ऊपर डालने के बाद इसमें मिल्किंग प्रोसेस चलता है। और जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं बोर्ड में एयर ग्लो हो रही है और हमारी वो कम्प्लीट नीचे से रेडी हो रही है। और इसका एक बहुत ही फायदेमंद मैं चीज़ बताता हूँ आपको, इस प्लांट में देर इज नो वेस्टेज। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है प्लास्टिक का, इसको हम ग्राइंडर में यूज करते हैं, दोबारा से ग्राइंड किया जाता है वो और उसको हम ग्रैनुल बना लेते हैं। और दोबारा से ये वाला जो ग्रैनुल है ऑफर में जाता है और उसकी हम बॉटल बना लेते हैं। सेंसिटिव प्रोडक्ट है, अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल आए या कुछ भी आए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए शार्प इंटरनेशनल ने एक्सक्लूसिवली एक फिल्टर लॉन्च किया है जिसको प्रोडक्ट में ट्रिपल फिल्टर कर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा ट्रिपल फिल्टर प्रोसेस मशीन है, इसमें प्रोडक्ट को हम इतना माइन्यूटली फिल्टर कर देते हैं, क्लियर आउट कर देते हैं, जिससे प्रोडक्ट की शाइन भी बढ़ती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। हमारी जो भी बॉटल होगी ट्रांसपेरेंट बॉटल में अगर हम देखेंगे आपको बिल्कुल पारदर्शी वो नज़र आएगा, इतनी ब्राइट एंड क्लियर प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारे जो स्टोरेज टैंक्स हैं इसमें हम दोबारा से ऑयल की टेस्टिंग करते हैं, जैसे वो टेस्टिंग पास होती है जो नीचे ऑटोमेटिक मशीन भी देखी थी आपने कन्वेयर बेल्ट पे, उसमें फिर ये पैकिंग शुरू की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन हाउस की जाती हैं और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके लिए मैं आपका समय लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में अगर आपको हमारी कंपनी के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस बोर्ड लाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।